तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल की पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। और ये गेम प्ले 29 अक्टूबर के रात का है, तो मैंने रात भर जग के कुछ गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया था ताकि आप लोग को दिखा सकूं, क्योंकि उसके अगले दिन पबजी बैन हो रहा था। तो इसलिए मैंने कुछ गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया, और कोरिया वर्जन पे भी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा वोट आ रहे। तो जब तक ये कुछ गेम प्ले है, एक दो दिन तक आप इसको देख के एंजॉय करो, और क्या ही तबाही मतलब मचाने वाला हो। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में बताना कि वीडियो देखने में आपको मज़ा आया कि नहीं आया। तो फिलहाल यहाँ पे एक को लटका दिया था खूंटी पे, और इसको बारी थी हम लोग भेजने की, तो ये नीचे जाते जाते कैट खा लेता। और उसके बाद मेरा भी गन रिलोड पे था, तो मैं साइड में पहले जाता हूँ, और देखो यहाँ पे मतलब मेरा ही टीममेट यहाँ पे अटका देता है। तो फिलहाल देखो मतलब किसको कैसे मारते हैं। अब ये जाते जाते मतलब मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है, तो फिलहाल इसको मैं सीधे हम लोग भेज देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा फुटप्रिंट आ रहे थे, और मेरा जो 3 नंबर था वो अलग ही मतलब कहीं था, तो मैं यहाँ पे अकेले था, तो मैं थोड़ा देख खेल रहा था ताकि मर ना जाऊँ, क्योंकि हॉट ड्रॉप लास्ट दिन था, तो हॉट ड्रॉप कुछ ज़्यादा ही भर के आ रहा था। तो उसके बाद मैं यहाँ से पे मतलब थोड़ा लूट करता हूँ और चेक करता हूँ आगे के साइड, तो यहाँ पे मेरा जो 3 नंबर था उस साइड क्लियर किया जा रहा था, तो चलो ठीक था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस साइड क्लियर कर दूँ। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्या ही मतलब गजब गजब आपको क्लचेज और फाइट देखने को मिलेगी, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो मैं आता हूँ छत पे, और छत पे आने के बाद आगे के साइड से गन साउंड और कुछ छोटी सी झलक फायर होने की आती है, लेकिन यहाँ पे एक भी शॉट मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तभी मेरा जो 3 नंबर होता है वहाँ पे नॉक हो जाता है। तो पहले चलते हैं, इसको बचाते हैं। और यहाँ पे आता हूँ तो मेरा कुछ टीममेट बोल भी नहीं होता कि कहाँ पे बंदा है, कहाँ से मारा है, और चारों तरफ से गन साउंड आ रहे थे। तभी ये यहाँ पे आता है, और इसको मैं खूंटी पर लटका के सीधे ये हम लोग भेज देता हूँ और कर देता हूँ नंगा। और बारी थी इसके टीममेट से लेने को पंगा, तो अब मेरा टीममेट जाए तेल लेने, अब मैं आ गया था इस साइड बंदे पेलने। तो देखो तो यहाँ पे किसी ये बंदा किसी के छत पे मतलब वेट कर रहा था, तो मैं भी मतलब देखते देखते। और तभी यहाँ पे दीपावली के पटाखे पहले फूट गए, और यहाँ पे करता हूँ मैं नेट कुक, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ जो फुटप्रिंट आपको भी देखने को दिख रहा होगा कि वो मतलब उस साइड उस रूम से था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक ग्रेनेड कुक करता हूँ और फेंक देता हूँ इसमें। और तभी मतलब इसको फेंकने के बाद जैसे ही मैं मतलब दरवाजे के पास जाता हूँ, तो पता चलता है फुटप्रिंट से कि बंदा जो है सामने वाले मतलब सामने वाले रूम में। तो मैं जाता हूँ पीछे से, और इस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, तो इसको मैं खूंटी पर लटका के तुरंत ही हम लोग भेज दिया और कर दिया नंगा। अब बारी थी इसके टीममेट से लेने को कुछ पंगा, तो यहाँ पे फुटप्रिंट देख के मेरे को लग रहा था कि पहले मैं फ़ाइट लूँ या रिवाइव करूँ। तो मैं फाइनली अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ ताकि एक सपोर्ट रहे, और जैसे इसको रिवाइव करता हूँ तो इसको पहुँचाता हूँ ये हम लोग। अब यहाँ पे मेरा टीममेट ही मुझे अटका के रखता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक क्लच मैंने कर दिया। तो जिसको भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो मेरा अब मैं अपने टीममेट को देखता नहीं और उसका हेल्थ भी नहीं देखता। तो खैर मेरा टीममेट सीधे हम लोग चला जाता, और यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट आ रहा था, तो यहाँ से मुझे गन भी उसका शो हो जाता है। तो मैं जाता हूँ बाहर के साइड दरवाजे से, और यहाँ पे मतलब उस डब्बे के पास TPP लेता हूँ। और एम शिफ्टिंग करके दोनों को ही यहाँ पे हम लोग भेज दिया। तो यार इसी के साथ यहाँ पे मतलब मिलिट्री बेस हो गया क्लियर, जो अपना मिशन था तो ये पूरा हो गया। तो फिलहाल जिसको भी अच्छा लगा एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद बंदे ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो जाता, और लास्ट में 2 बंदे मिलते हैं। और सामने से आपको दिखा होगा कि एक बंदा UH लेके आ रहा था, तो मैं उस पर रश करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था जो कि इसका शायद से टीममेट था। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लेकिन कोई दिखता नहीं, और फिर मैं सोचता हूँ कि अंदर जाके देखो, क्या पता इसके ऊपर हो। अब फुटप्रिंट से तो यही लग रहा था कि मतलब बंदा आसपास ही है, क्योंकि चलने का फुल साउंड आ रहा था। तो
तो मैं यहाँ पे पहले दरवाजे को टैप टैप करता हूँ, खोलता हूँ बंद करता हूँ, जिससे कुछ वो बंदे रस करे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ये स्मोक देख के मैं चला जाता हूँ पीछे के साइड। अब पीछे के साइड आने का देखो फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे मैं एक ग्रेनेड कुक करने वाला हूँ, जो कि दीवार मतलब रूप छत पे टकरा के यहीं पे रह जाएगा। और बंदा भी मुझे दिख गया था, लेकिन भाई सब बम के चक्कर में उसको मार नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मैं उसको मार दिया। अब यहाँ का स्कैम देखना, मतलब आपको जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अब ये बंदा पूरा पूरा मतलब जंप कर रहा था, तो मुझे लगा ये टीम अप करने वाला है। तो मैं यहाँ पे गन पीछे करके मैं भी जंप करता हूँ, क्योंकि अब वो उछल रहा था तो मेरे को भी उछलना था, मतलब टीम अप करना था उससे। तो अब देखो मतलब क्या ही सीन होने वाला है। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया कि हाँ भाई टीम अप हो जाए, वरना मैं उसको पहले ही मार देता। तो भाई सब देख ही सकते हो क्या स्कैम किया। तो ये उसके जस्ट नेक्स्ट मैच का गेम प्ले है, तो यहाँ का फाइट आप देखना, और आपको मज़ा ना आए तो मतलब बोलना मुझे कि हाँ भाई तेरा गेम प्ले में दम नहीं है। अब देखो ये गेम प्ले बनाने में कितना मैच लगता है, लेकिन मैं तो बैक टू बैक आपके लिए ट्राई कर रहा था कि एक गेम प्ले बन जाए, क्योंकि अब बैन हो रहा था तो काफ़ी सारे बंदे एक ही जगह आ रहे थे, और ये बंदा मेरे पीछे लग जाता है, तो मैं देखो इसको कैसे भगाता हूँ और दरवाज़ा बंद करते जाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक बंदा था, तो यहाँ पर मेरी फट के चार हो गई। तो खैर उसको मैं भगा भगा के लाता हूँ इस वाले घर पे, और इस वाले घर पे मेरे को AKM मिलने वाला है। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हाल होने वाला है उस बंदे का। तो देखो तो इसको तो लटका दिया था खुटी पे और कर दिया था नंगा। खैर ये पहले ही से नंगा था। तो इसको हम लोग भेजने के बाद मैं चला जाता हूँ नीचे, और नीचे के साइड से कुछ फुटप्रिंट आ रहा था, और इस घर में एक बंदा। तो इस सारा भाभी को मैंने कर दिया खुटी पर लटका के नॉक, और इसको हम लोग भी भेजेंगे। उसके पहले मैं फुटप्रिंट देख के यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, कि अगर उसका कोई टीममेट आया तो मैं उसको सीधे हम लोग भेज दूँ, लेकिन कोई आता नहीं है, तो मैं इसको सीधे हम लोग भेज देता हूँ। और फुटप्रिंट देख के लग रहा था कि नीचे से बंदा, और मुझे दिख भी जाता है। अब इसको तो लटका दिया था खूंटी पर, अब पूरी जिम्मेवारी थी मेरे टीममेट को इसको हम लोग भेजने की, तो जो कि वो कर भी देता है। तो मैं इससे थोड़ा लूट लेता हूँ, और लूट लेने के बाद चल जाते हैं हम आगे के साइड। अब यहाँ पे मैं देख के ही निकलता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या ही होगा भाई साहब, ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाला था, लेकिन चलो यहाँ पे बच गया तो बदला तो लेना बनता था। तो मैं यहाँ पे हेल्थ को रिकवर करके आता हूँ पीछे के साइड से, फ्लैंक करता हूँ लेफ्ट साइड से। तो जो मेरा टीममेट होता है वो बताता है कि आगे के साइड बंदा, और जो मेरा दो नंबर है जो मर चुका है वो बताता है कि ये हैकर है, वो मतलब कहीं से कहीं मार रहा है भी ऐसे, मतलब दीवार के आर पार। तो यार हैकर और चैल लोड़ा लसन, उसको तो मारना ही था। तो पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। अब देखो इसको आराम से मैं खोटी पर लटका के नॉक कर दिया, और इसको हम लोग भी भेज देते हम। अब इसको तो मार दिए थे, जो कि फसाद किए जा रहे थे काफ़ी देर से, मतलब मेरे टीममेट को बार बार नॉक किया जा रहा था। और उसके बाद मैं आता हूँ आगे के साइड, और जो इसका जो टीममेट होता है यहाँ से गुजर रहा होता, तो मेरे टीममेट ने इसको मार दिया। तो खैर इन दोनों को क्लच करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस घर में, क्योंकि मेरा टीममेट बताता है कि इस पर बंदा है। तो मैं यहाँ पर पहले फ्री फायर देता हूँ, और फ्री फायर पर तो आता नहीं है, और मैं जैसे ही रश करता हूँ ऊपर के साइड पर, तो यहाँ से बंदा जंप करके मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और मैं इसको खूंटी पे लटका के सीधे ही हम लोग भेज देता हूँ। तो खैर इसको तो मार दिया था, और मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, लेकिन कुछ चलने का साउंड और फुटप्रिंट से लग रहा था कि ये जो थ्री स्टोरीज के नीचे बंदा है तो ऊपर ज़रूर आएंगे। तो मैं यहाँ पर देखो कैसे मारता हूँ इन्हें, यहाँ पे एक नॉक किया और यहाँ पे दूसरा नॉक किया। अब यहाँ पे दो बंदे मैंने डाउन कर दिया था, और तीसरे बंदे के लिए फुल रेडी था मैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में ये तो पता नहीं कैसे बच गया, और लेकिन काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था, और मैंने जंप भी सही किया, लेकिन मैं नीचे गिर गया, जिसकी वजह से जो मेरा टीममेट वो ग्रेनेड से नॉक कर देता था। यहाँ से ही किल मेरा गया। तो फिलहाल इसको ये हम लोग भेजते हैं। अब इनको मार ही रहा था, तभी पता चलता है कि मेरे टीममेट पे किसी ने रश कर दी, मतलब कोई फायर
कर रहा है, तो मैं इसको सीधे देख के ये लोग भेज दिया और मेरा टीममेट भी नॉक हो गया था, तो इसको पहले रिवाइव करता हूँ मैं। अब मैं इसको रिवाइव करके आगे देख ही रहा था, तभी यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको सीधे हम लोग भेज दिया। अब इन दोनों को मारने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाला था, तभी मतलब क्या ही एंगल बना के इसको मारा। तो जिसको भी अच्छा लग रहा हो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद मैं मतलब निकल ही रहे थे यहाँ से कि मतलब कोई नहीं है, तभी पीछे स्मोक होता है तो पता चलता है कि भाई और भी बंदे, तो हम पीछे के साइड आते हैं और मेरा टीममेट उसको देख लिया होता है और देखो कैसे इसको पीलिंग है। मतलब अब यहाँ का फ्री फायर, तो भाई सब क्या ही फ्री फायर था, मतलब वो बंदा भी कंफ्यूज हो गया। तो खैर वहाँ पे क्लियर करने के बाद हम बंदे ढूंढते ढूंढते आते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी देर से बंदे नहीं मिल रहे थे। अब यहाँ का फाइट काफ़ी लंबा होता है, लेकिन मैंने कट करके छोटा कर दिया और यहाँ पे मेरा जो टीममेट होता है 3 नंबर वो हो जाता है नॉक। तो खैर उसको रिवाइव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया और उसके बाद मैं सामने वाले पत्थर पे आ जाता हूँ। अब देखो इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और एंगल ना होने के कारण ही ये बच जाता, वरना यहीं पे नॉक था। और जो उसका जो और बंदे थे वो राइट से फ्लैंक मतलब लेफ्ट से फ्लैंक कर देते, तो ये भी नॉक ही था, लेकिन इसका पता नहीं पिंक प्रॉब्लम था कि क्या, और ये इसका स्पीड तेज होने के कारण बच जाता। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ कुछ एमओ लेने, क्योंकि मेरा एमओ भी ख़त्म हो रहा था, तो मेरा टीममेट नॉक रहता है, तो मैं इसको रिवाइव करता हूँ और जो 3 नंबर है फिन से नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी टीम थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई यार, मतलब उसमें मैं क्या ही कर सकता था अकेले। तो खैर देखो एक बम आता है जिससे एक बंदा मेरा फिनिश हो जाता है और एक नॉक हो जाता है और मैं अकेले बचता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि कोई ऊपर आएगा तो मैं उसको मारूंगा, लेकिन देखो मतलब कोई और ही टीम आके मतलब मेरे को AWM से मार देती है। अब यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये काफ़ी अच्छे खेल रहे थे बंदे। तो खैर आई होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ यार थोड़ा सपोर्ट करो, और कुछ दिन तक ऐसी गेम प्ले आपको मिलेगा जब तक कोड़ी